हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटीबी। आज हम बीटीबी के बारे में पढ़ेंगे। बीटीबी को हम अपने नेटवर्क पर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली इसकी चार जो हैं कमांड्स होती हैं। इसमें सबसे पहले वर्जन इसका होता है कि कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली डोमेन नेम होता है, उसके बाद पासवर्ड होता है, और फिर मोड होता है कि किस मोड पे, सर्वर मोड है या क्लाइंट मोड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं फर्स्ट स्विच की। यहाँ से हम गए ग्लोबल मोड में। यहाँ से हम जो दोनों स्विचों के दरमियान इंटरफेस है उसे हम ट्रंक कर देंगे। सबसे पहले तो हमने स्विच की एक पोर्ट को ट्रंक कर दिया जो कि दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट थी। ये देखें दोनों स्विचों पर ट्रंक हो चुकी है। दोनों स्विच पीसीस पर जो है आईपी असाइन कर दी गई है। दूसरे साइड के जो पीसीस हैं उन पर भी आईपी असाइन कर दी गई है। फर्स्ट स्विच पर जाके जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी बीटीबी की। पहले स्विच को जो है हम सर्वर बना देंगे और सेकंड को क्लाइंट बनाएंगे। ग्लोबल मोड में आ गए हम। यहाँ पर हम कमांड देंगे बीटीबी वर्जन 2 जो कि लेटेस्ट है। इसके बाद बीटीबी डोमेन नेम, डोमेन नेम में कुछ भी रख सकते हैं हम, सिस्को .com वगैरह एनीथिंग। बीटीबी मोड सर्वर, जितने भी स्विचेज होंगे उनमें एक सर्वर होगा, बाकी सब क्लाइंट होंगे। इसके बाद पासवर्ड, सब पर पासवर्ड सेम होगा जितने भी क्लाइंट से सर्वर होंगे। एक पर फर्स्ट स्विच पर हमने जो है इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब सेकेंड पर आते हैं। बीटीपी वर्जन 2, बीटीपी मोड क्लाइंट, इसके बाद पासवर्ड, अब हम चेक करेंगे जाके बीटीपी का स्टेटस। फर्स्ट स्विच पर चेक कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, जीरो है कुछ क्या, क्योंकि हमने अभी कोई भी वीलैन वगैरह नहीं बनाया है। दूसरे स्विच पर भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर में ज़ीरो है बिल्कुल। अब फर्स्ट स्विच पर जाके जो है हम वीलैन क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिकली दूसरे स्विच पर खुद ब खुद जो है असाइन हो जाएगा। जैसे कि हमने एक ये बनाया नेम, एक विलेन बना लिया, शो बीटीपी स्टेटस। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अपडेट हुई है इसके अंदर। आप दूसरे स्विच पर जाके चेक करते हैं, यहाँ पर भी अपडेट हो गया। वही जो हमने पहले स्विच पर बनाया था वो ऑटोमेटिकली दूसरे क्लाइंट्स पर भी खुद ब खुद चला गया है, जो हमने विलेन बनाया था ABC के नाम से। इसका यही फ़ायदा होता है कि अगर हम सर्वर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो क्लाइंट्स पर खुद ब खुद चली जाती है, हमें हर स्विच पर जाके खुद से जो है इनेबल नहीं करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।